सीमा शुल्क नियम किस देश के किस चीज को नियंत्रित करता है? एक शहर से दूसरे शहर में ले जाने वाले परिवहन को नियंत्रित करता है। सीमा शुल्क नियम किस प्रकार से देश के नागरिकों की रक्षा करता है? फ्रॉम द स्पीड ऑफ इंफेक्शन डिजीज। सीमा शुल्क नियम के अनुसार कौन सा कार्य प्रतिबंधित हो सकता है? कुछ सामान ले जाना या लाना नियम से प्रतिबंधित हो गया। यदि यात्री के पास अधिक मात्रा में अनुमति वस्तुओं को लाता या ले जाता है तो क्या होता है? यदि यात्री तो उसे ड्यूटी देनी पड़ती है। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एकत्रित की गई ड्यूटी सरकार के लिए किस प्रकार लाभकारी है? डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ड्यूटी मुक्त वस्तुओं कौन कौन सी होती हैं? अल्कोहल, तम्बाकू, सब्जी। कौन कौन सी वस्तुओं किस प्रकार प्रबंधित के अधीन नहीं होती हैं? क्लोज ब्यूटी कॉस्मेटिक पर ये क्लोज लैपटॉप और मोबाइल। क्लोथ, ज्वेलरी, ब्यूटी कॉस्मेटिक क्यों नहीं होती है? कौन सी किताब अलग अलग देश के सीमा शुल्क को नियंत्रित करती है? इन्फॉर्मेशन मैनुअल। ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल किस बात का उल्लेख करता है? ड्यूटी फ्री वस्तुएं जिसका आयात या निर्यात किया जा सकता है। ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल में अन्य किन चीज़ों का वर्णन किया गया है? ट्रैवलिंग विद द पेट एनिमल, वाइल्ड वेजिटेरियन, क्रिएचर एंड एक्स्ट्रा बैगेज एंड पीपल। यदि यात्री अपने पेट को साथ लेना चाहता है तो उसको कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी? ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल। जंगली वनस्पति तथा जीव को साथ ले जाने के लिए कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी? ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल। एयरपोर्ट पर अपने सामान को पुनः प्राप्त करने के बाद यात्री को बाहर निकलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? कस्टम क्लियरेंस। एयरपोर्ट पर कर देकर भक्ता के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त की जाती है? कस्टम हॉल में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करी जाती है? यात्रियों कस्टम निरीक्षण के लिए कितने चैनल दिए जाते हैं? 3 चैनल दिए जाते हैं। उन 3 चैनल का नाम क्या है? रेड चैनल, ब्लू चैनल, ग्रीन चैनल। रेड चैनल यूज कब किया जाता है? जब यात्री का एक देश से दूसरे देश में खरीदा गया सामान हो, ड्यूटी फ्री का नाम से ज्यादा है, या फिर उसका बहुत सारा पैसा हो, वैसे करने के उद्देश्य से। यात्री का बहुत सारा पैसा है तो उसको कौन से चैनल में जाना पड़ेगा? रेड चैनल। कब यात्री को कस्टम निरीक्षण के लिए ग्रीन चैनल जाना पड़ेगा? जब यात्री का एक देश में खरीदा गया सामान हो, ड्यूटी फ्री का नाम से ज्यादा नहीं है, तो वह ग्रीन चैनल पर जाएगा। अगर वह सामान बेचने के उद्देश्य से नहीं है तो उसको कौन से चैनल में जाना पड़ेगा? ग्रीन चैनल। अगर यात्री यूरोप में ट्रैवल कर रहा है तो उसको कौन से चैनल में जाना पड़ेगा? ब्लू चैनल। राइट, थैंक यू।